स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज से कुछ समय पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था आप असाइनमेंट किस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें आप सभी के बहुत से डाउट है। सबसे पहला डाउट आपका जो है असाइनमेंट के फ्रंट पेज यानी कि कवर पेज को लेकर के है। आप सभी को जो है फ्रंट पेज को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है और साथ ही में जो है फ्रंट पेज को किस प्रकार से भरा जाता है भरने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। क्या असाइनमेंट का ये फ्रंट पेज असाइनमेंट के साथ लगाना जरूरी होता है? अगर हम असाइनमेंट का फ्रंट पेज नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और फ्रंट पेज हम लगा के देते हैं तो इससे क्या होता है? आज के इस वीडियो में आपका फ्रंट पेज से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको फ्रंट पेज डाउनलोड कहां से करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे ये फ्रंट पेज जो है डायरेक्टली जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये फ्रंट पेज लगाना जरूरी क्यों होता है। यदि आप असाइनमेंट के साथ फ्रंट पेज नहीं लगाते हैं तो आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका असाइनमेंट जो है सबमिट ही नहीं किया जाता है, क्योंकि इस फ्रंट पेज से ही असाइनमेंट के सभी डिटेल का पता चलता है। ये असाइनमेंट जो है किस स्टडी सेंटर का है, कौन से स्टूडेंट का है, इसका क्या प्रोग्राम है, इसका क्या सब्जेक्ट है, तो ये सभी जो है असाइनमेंट के फ्रंट पेज पर ही लिखा होता है। इसीलिए जो है फ्रंट पेज लगाना जरूरी होता है। और आपके लिए जरूरी ये है कि आप जो है फ्रंट पेज पर जो है अपना सही सही सभी डिटेल देंगे जो भी डिटेल मांगा गया है। और आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे हमारे पास 8 सब्जेक्ट है तो क्या 8ों पे ही हमें फ्रंट पेज लगाना होगा? तो जी हाँ, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी पे आपको फ्रंट पेज लगाना होगा। आप जितने भी असाइनमेंट बनाएंगे उन सभी पर फ्रंट पेज लगाना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि आप असाइनमेंट का ये फ्रंट पेज किस प्रकार से भरेंगे। यदि आप भरने में कुछ भी गलती करते हैं तो हो सकता है कि आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आपको जो इस चीज़ को अच्छे से समझना है और अच्छे से इस फ्रंट पेज को भरना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका भरने का प्रोसेस क्या है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद देखिए आपको क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देना है, आपका 9 अंकों का इनरोलमेंट नंबर हो या फिर 10 अंकों का, यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जो आपका सही सही नाम है पूरा नाम आप यहाँ पर डालेंगे। और आपका जो भी एड्रेस है, ध्यान रखिए यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आप और नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल जो होता है ये आपको बहुत ही अच्छे से भरना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा प्रोग्राम टाइटल। तो प्रोग्राम टाइटल में जो है आप क्या कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ली है, मास्टर ऑफ आर्ट्स में ली है या फिर कोई एनी अदर प्रोग्राम है। तो आपका जो भी प्रोग्राम है, MA है, BA है, BCOM है, BSc है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कैपिटल लेटर में डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है कैपिटल लेटर में ही ये सभी डिटेल्स आप डालें। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कोर्स टाइटल। तो कोर्स टाइटल में जैसे कि आपका कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि आपके असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उस पर जो है कोर्स का कोड भी लिखा होता है और कोर्स का टाइटल भी लिखा होता है। तो यहाँ पर जो है कोड आप देख सकते हैं EEC 07, ये जो है कोड हो गया, कोर्स का कोड हो गया। और यहाँ पर कोर्स का टाइटल जो है भारत में औद्योगिक विकास, तो आपका जो भी है इस प्रकार से जो है लिखा होगा। और साथ ही में जो है आपका जो बुक होता है उस पर भी ये लिखा हुआ होता है। और जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, उस पर भी ये सभी डिटेल आपका लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है आपको कोर्स का टाइटल डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स का कोड डालना है। कोर्स का कोड मैंने आपको बता दिया है, तो कोर्स का कोड जो है यहाँ पे EEC 07 है, आपका जो भी है आप जो है डाल देंगे। तो यहाँ पर कोर्स का टाइटल डालेंगे, यहाँ पे कोर्स का कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना असाइनमेंट का नंबर डालना होता है, तो यहाँ पर आपको जो है सीरियल नंबर डालना होता है। यदि आपके पास 4 असाइनमेंट है तो आप जो है 1, 2, 3, 4 करके इस प्रकार से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा स्टडी सेंटर एंड कोड। तो यहाँ पर जो है आपके स्टडी सेंटर का जो भी नाम है, यहाँ पर पहले आप नाम लिखेंगे स्टडी सेंटर का, और उसके बाद जो है ब्रैकेट लगा करके या फिर बिना ब्रैकेट का भी आप जो है स्टडी सेंटर का कोड लिख देंगे। स्टडी सेंटर का कोड जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा हुआ होता है जब आप एडमिशन लेते हैं। और यदि आपको स्टडी सेंटर का कोड नहीं पता है तो आप जो अपने स्टडी सेंटर से भी जा करके पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है, तो यहाँ पर आपको वो फ़ोन नंबर डालना है जो वर्किंग कंडीशन में हो। और यहाँ पर आपको एक कोई भी ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट डालना है, डेट उस दिन का डालेंगे जिस दिन आप असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है ये फ्रंट पेज को भरना है। ध्यान रखिए आपको अच्छे से भरना है, भरने में किसी प्रकार का भी आप गलती नहीं करेंगे। और असाइनमेंट बनाने का पूरा प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पर मैंने वीडियो दे दिया है,
उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है किस प्रकार से आपको असाइनमेंट बनाना है, किस प्रकार से उसके आंसर लिखने हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके असाइनमेंट के फ्रंट पेज से रिलेटेड जो भी डाउट था यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट के पास जो है सही सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसी प्रकार के और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।